आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 प्लेसेस इंडियन लव ट्रैवलिंग टू। ये सारे प्लेसेस इंडिया से इजी एक्सेसिबल होंगे और इनमें से कुछ जगह तो थोड़े सस्ते भी होंगे ट्रैवल करने के लिए। नंबर 1, बाली। बाली इंडोनेशिया का सबसे पॉपुलर वेकेशन डेस्टिनेशन है और फेमस है अपने वॉल्केनिक माउंटेन्स, आयरोनिक बीचेस और कोरल रीफ्स के लिए। बाली मोस्टली पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है और एडवेंचर सीकर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर आप सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग और बहुत सारे नेचुरल वाटरफॉल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है अप्रैल टू अक्टूबर। नंबर 2, भूटान। भूटान एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे इंडियंस काफी प्रेफर करते हैं। ये एक ब्यूटीफुल हिमालयन किंगडम है जो अपने नेचुरल माउंटेन व्यूज, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और कल्चर के लिए फेमस है। ये जगह एडवेंचर सीकर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस है और यहाँ पे आप हाइकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू दिसंबर। नंबर 3, दुबई। दुबई अपने वेल्थ, स्काईस्क्रेपर्स, लग्जरी शॉपिंग और क्रेजी नाइट लाइफ के लिए फेमस है। दुबई इंडियंस के बीच काफी पॉपुलर है और इसे जेट सेट हॉलीडे डेस्टिनेशन के भी नाम से जाना जाता है। ये जगह अपने वास्ट डेजर्ट एरियाज और पॉपुलर बीचेस के लिए जाना जाता है। दुबई अपने हाईटेक आर्किटेक्चर के लिए भी काफी फेमस है जैसे कि बुर्ज खलीफा। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है नवंबर टू मार्च। नंबर 4, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इंडियंस का एक काफी फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है। ये जगह अपने सीनरी, टेस्टी चॉकलेट्स, ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज, स्कीइंग और मैजिकल ट्रेन राइड्स के लिए फेमस है। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल लेक्स और कैंपिंग जैसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है अप्रैल टू अक्टूबर। नंबर 5, लंदन। लंदन अपने मैजिकल एंशियंट बिल्डिंग्स, रिच कल्चर, आर्किटेक्चर और अपने आर्ट के लिए फेमस है। यहाँ पे वर्ल्ड के कुछ वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम्स है एक्सप्लोर करने के लिए। लंदन का 6.6% ऑफ द पॉपुलेशन इंडियंस है और ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज में से एक है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है मार्च टू मई। नंबर 6, मालदीव्स। मालदीव्स पूरे वर्ल्ड का गो टू वेकेशन डेस्टिनेशन है। ये जगह फेमस है अपने व्हाइट सैंडी बीचेस, ब्यूटीफुल ब्लू ओशंस और लग्जरी लाइफ के लिए। मालदीव्स इंडियंस के लिए एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन बन सकता है। ये जगह अपने कल्चर, प्राइवेट आइलैंड्स, ग्रीनरी और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है दिसंबर टू अप्रैल। नंबर 7, नेपाल। नेपाल द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट का कंट्री है। ये जगह अपने ब्रेथ टेकिंग माउंटेन व्यूज के लिए फेमस है। इन सभी के साथ साथ नेपाल अपने मेटल वर्क, क्लोथिंग मटेरियल, टी, ट्रैकिंग गियर्स और ज्वेलरीज के लिए भी बहुत पॉपुलर है। ये जगह एडवेंचर सीकर्स और हाइकर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू दिसंबर। नंबर 8, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज में से एक है। ये वाइब्रेंट सिटी अपने कुछ पॉपुलर लैंडमार्क्स और मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत फेमस है। न्यूयॉर्क एक परफेक्ट सिटी डेस्टिनेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और ये जगह अपने रिच हिस्ट्री के लिए भी फेमस है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है जून टू सेप्टेम्बर। नंबर 9, स्पेन। स्पेन इंडियन ट्रैवलर्स के बीच में काफी पॉपुलर है। ये जगह यंग पार्टी लवर्स और कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। स्पेन अपने कुछ पॉपुलर और वाइब्रेंट फेस्टिवल्स के लिए भी जाना जाता है और ये फुटबॉल फैंस के लिए एक परफेक्ट गो टू स्पॉट है। इन सभी चीजों के साथ साथ ये जगह अपने कल्चर, डिलीशियस फूड और स्टनिंग सीनरी के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है अप्रैल टू मई एंड सितंबर टू अक्टूबर। नंबर 10, सिंगापुर। सिंगापुर अपने वाइब्रेंट सिटी लाइफ, शॉपिंग मॉल्स, चीप एंड गुड स्ट्रीट फूड्स और ग्रीनरी के लिए फेमस है। सिंगापुर एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है पर टूरिज्म के मामले में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। ये जगह हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम इंडिया एंड इजी एक्सेसिबल है फ्रॉम मेजर सिटीज इन इंडिया। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है जुलाई टू सितंबर। सो ये था टॉप 10 प्लेसेस इंडियंस लव ट्रैवलिंग टू। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स को भी चेक कर सकते
सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड सजेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोज देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय जर्नी।